जैसा कि आप सभी जानते हो, महाराजा अकबर एक मुगल सम्राट थे। फिर भी उसके राज्यों में ऐसे बहुत लोग थे जो कि हिंदू थे, और महाराजा अकबर हिंदू की काफी कदर भी किया करते थे, और इसी कारण हर साल वो अपने राज्य में दशहरा पर नाटक मंडली कराया करते थे, और हर साल उनके राज्य में काशी का एक नाटक मंडली आया करता था। यह नाटक मंडली अकबर के राज्य में रामलीला किया करता था और नगरवासियों का मनोरंजन किया करता था। यह एक तरह से राज्य की संस्कृति हो गई थी और ऐसा ही हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी के नाटक मंडली के सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि इस साल हम महाराजा अकबर के दरबार पे नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज और सारी प्रजा बहुत ही उदास हो गई। दशहरा को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाना मानो नामुमकिन सा था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इतने जल्दी नहीं आ सकता था। सबको निराश देखकर बीरबल ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूँ, मुझे यकीन है कि वो महाराजा अकबर के दरबार में रामलीला करने जरूर आएंगे। बीरबल की यह बात सुनकर सारे लोग खुश हो गए, और इसके बाद राजा ने बीरबल को रामायण के लिए मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी, और बीरबल ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। दरबार में नवरात्रि के लिए बहुत ही खूबसूरत बनाया गया और वहाँ पूरी साफ सफाई करवाई गई, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत बड़ा एक मंच तैयार किया गया। और जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला भी देखने आ गए। वही महाराजा अकबर और उनके साथ सभी मंत्रीगण और राज्य के अन्य सदस्य भी वहीं पर मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। वह नाटक बहुत ही जल्दी खत्म हो गया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी से सभी बेहद खुश हो गए। महाराजा सभी से इतने खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई तो सभी ने महाराज बीरबल और अन्य मंत्रीगण भी उनके साथ बैठ के भोजन करने लगे। इसी दौरान महाराज ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, मुझे ये बताओ, तुमने इतनी जल्दी इतनी अच्छी मंडली कहाँ से ढूंढ ली? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज ये मंडली बीरबलपुर से आई है। तो महाराजा ने बोला, बीरबलपुर, इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना, कहाँ है ये बीरबलपुर? तो बीरबल ने कहा, महाराज ये हमारे राज्य के थोड़े समीप ही है। ये बोल के मुस्कुराने लगे और उनकी मुस्कुराहट देखकर सभी लोग हंसने लगे। इस पर महाराजा ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो मंडली से एक बच्चा खड़ा हो गया और बोला, महाराज हम आपके राज्य में ही रहने वाले लोग हैं, इस मंडली को बीरबल ने तैयार करवाया है और इसीलिए हमारा नाम बीरबलपुर मंडली है। बच्चे की बात सुनकर महाराजा सहित सभी लोग हंसने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सके, बस इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है, जैसे कि इस कहानी में बीरबल ने किया।